नमस्कार, फिर से करनाल की खबर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं समाचार एक्सप्रेस में। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन करनाल में सोमवार यानी 30 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे में मनाया गया। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर अश्विनी आहूजा ने मरीजों को इस बीमारी के लक्षण के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर डॉक्टर ओपी सैनी, डॉक्टर रविंदर संधु तथा डॉक्टर ग्रोवर के अलावा अस्पताल का बाकी स्टाफ भी मौजूद रहा। डॉक्टर अश्विन आहूजा ने बताया कि बिजी लाइफ और बदलते लाइफस्टाइल के चलते अब हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में भी काफी तेजी आई है। इनमें भी ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। दरअसल सीने में हो रहे हल्के दर्द को भी महिलाएं अक्सर इग्नोर कर देती हैं, जो हार्ट अटैक का एक अहम लक्षण माना गया है। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। आइए इस दिन जानते हैं कि अपने दिल और इसकी सेहत से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो सेहतमंद दिल के लिए बेहद जरूरी हैं। बिजी लाइफस्टाइल और एक साथ कई काम के प्रेशर की वजह से जिंदगी में स्ट्रेस में आना कोई बड़ी बात नहीं है, महिलाएं इसकी चपेट में ज्यादा आती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बदलते लाइफस्टाइल और तनाव के चलते कम उम्र में भी महिलाएं हार्ट प्रॉब्लम की शिकार हो रही हैं। इस बारे में कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं कि हार्ट डिसीज कोई भी हो, इससे जान का खतरा बना होता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो हर एक मिनट में एक डेथ दिल की बीमारी से होती है। मोटापा और फिजिकल वर्क ना करना हार्ट अटैक की बड़ी वजह है। पानी की कमी के चलते भी हार्ट अटैक से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे ब्लड थिक हो जाता है और हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। इसकी एक वजह लाइफस्टाइल भी है। जंक फूड, एक्सरसाइज और प्रॉपर नींद ना लेना टेंशन की वजह बनते हैं, जो दिल की बीमारी को इनवाइट करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि पहले हार्ट अटैक 40 साल के बाद ही पड़ता था, लेकिन अब 30 साल के बाद भी महिलाएं इसकी चपेट में आने लगी हैं। हौसला बढ़ाई करने के लिए हमारे पीएमओ साहब हमारे साथ आज स्पेशलिस्ट प्रोग्राम में आए हुए हैं। उन लोगों को इसके बारे में चेताया जाएगा कि उनके हार्ट हेल्थी रहे, क्या क्या उनको एक्सरसाइज करें, क्या उनके खाने का बदलाव। डॉक्टर पीएमओ साहब, डॉक्टर साहब, ये दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहे हैं हृदय रोगियों की संख्या, इसके पीछे मेन कारण क्या है? खान पान या आधुनिक जीवन शैली? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ट्रेंड जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है, इन सारी चीज़ों के मल्टीपल कारण हैं, कई कारण हैं। इसमें सबसे पहला कारण हमारा अपनी लाइफस्टाइल। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, हार्ट डिजीजेज के बारे में कहा जाता है कि हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज लाइफस्टाइल है। उसके बाद हमारा खान पान है, उसके बाद हमारे पॉल्यूशन सबसे बड़ा मेन फैक्टर। आज हम फ्रेश एयर और फ्रेश ऑक्सीजन लेवल वाली एयर हर जगह डे बाई डे बढ़ती घटती जा रही है, और हमारा जैसा भी आजकल पोल्यूशन व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, और शहर में इंडस्ट्री का जितना भी प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं, जितने भी विकास कार्य कर रहे हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से भी पोल्यूशन लेवल डे बाई डे बढ़ता है। और उधर से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज सेंटर जितने भी हैं, जैसे पानी का लेवल डाउन जा रहा है, तो उसमें भी हैवी वाटर और लाइट वाटर का वो भी हमारे हार्ट पे और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में एक फैक्टर बनता है। तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए सरकार ने एनसीडी के तहत, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के तहत, डिजीज अवेयरनेस करते हुए लोगों का स्क्रीनिंग कैंप लगाने बाबत हमारी एक नई स्कीम चला रखी है, नेशनल प्रोग्राम बना रखा है। हम उसके तहत हर महीने पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद 30 से 40, 40 से 50, हर ब्लड एज ग्रुप के तहत उनको ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, शुगर टेस्ट करवाते हैं, उनसे उनकी डिजीज़ का पैटर्न, उनकी लाइफस्टाइल का वो पूरा देखते हैं, और अल्टीमेटली उनको गाइड करते हैं, अवेयर करते हैं कि आपको यहाँ पे इस चीज़ में सुधार करना ज़रूरी है। वो यदि कोई ड्रिंक्स वगैरह का है तो उनके बारे में भी उनको अवगत कराया जाता है कि ये भी हार्ट के डिजीज़ को, आपको हार्ट को डैमेज करने के लिए। हमारा इन सब चीज़ों से मिशन क्या है? मिशन हमारा टू सेव द हार्ट फ्रॉम ऑल प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जितने भी हमारे हैं। कॉन्स्टेंट हाई ब्लड प्रेशर भी हमारा एक सबसे बड़ा कारण है, जिसके बारे में हम स्क्रीनिंग से टाइमली पता चला लें और उनको टाइमली डाइट्री और ड्रग ट्रीटमेंट देके उनको उस लेवल पे
नॉर्मल लेवल पे बीपी को ला सके। सर अगर करनाल की बात की जाए तो सामान्य अस्पताल में इस तरह कितने रोगी प्रतिदिन आ जाते होंगे? करनाल नहीं, हर जिला स्तर पे ये प्रोग्राम है, पूरे हरियाणा स्टेट में चल रहा है, राधर पूरे इंडिया में सभी स्टेटों में प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एनसीडी अब एक स्पेशल सेल बन चुका है और ये एक नेशनल प्रोग्राम का रूप ले चुका है। हर स्टेट में अलग अलग मतलब तरह से स्कीम चलाई जा रही है। हमारे हरियाणा स्टेट में हम कैंप लगाते हैं, कैंप के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कैचमेंट एरिया उस एरिया में कितना है। उस एरिया में अब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो यहाँ पे पेशेंट यूजली ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं, सभी टेस्ट ईजिली हो जाते हैं, ECG भी हो जाता है। यदि यही कैंप हम फील्ड में भी लगाते हैं, जो विलेजर्स अपने काम को छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते तो हम फील्ड में भी लगाते हैं। फील्ड पे हम जितने कोशिश करते हैं उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में और शुगर ब्लड प्रेशर चेक करके उनको बता देते हैं। कोई स्पेशल टेस्ट की जरूरत होती है, TMT या इस टाइप के टेस्ट की जरूरत होती है तो उनको, यो जिनका BP हाई होता है या कोई भी एक कारण होता है तो उसको यहाँ पे बुला के उसका फर्दर स्क्रीनिंग करा के उसको एंड रीजन तक उसका ये कारण है और इसका ये निदान है, ड्रग निदान भी, और उसको अपनी लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करने उसके बारे में भी सारा ज्ञान दिया जाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।